नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। केदारनाथ उपचुनाव का मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है, जहां बीजेपी के लिए एक कैंडिडेट चुनना वाकई मुश्किल हो रहा है, वहीं कांग्रेस के पास भी विकल्प ज्यादा नहीं है। जाहिर है कांग्रेस की रणनीति क्या रहने वाली है, कांग्रेस की जीतने की संभावना कितनी है, कांग्रेस के पास तर्कश में वो कौन से तीर हैं जो वो इस उपचुनाव में चलाएगी, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मनोज रावत जुड़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद मनोज रावत जी देवभूमि डायलॉग के मंच पे आने के लिए। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, बिकॉज बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है कांग्रेस के पास, इसलिए आप एक यूनैनिमस चॉइस हो जाते हैं कांग्रेस पार्टी की। तो क्या मैं मानूं कि आप उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी होने जा रहे हैं, ये ऑलमोस्ट क्लियर है? देखिए भट्ट साहब, हम तो पार्टी के समर्पित सिपाही हैं। जो भी पार्टी आदेश करेगी, उस आदेश को मानने के लिए हमेशा हम तैयार रहेंगे। बट आपका अपना अपना भी तो एक आकलन है ना, आप अपना भी तो आकलन आप भी जानते हैं कि कांग्रेस में विकल्प की कमी है और इसका सीधा फायदा आपको मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में केदारनाथ विधानसभा में दर्जनों ऐसे समर्पित नेता हैं जिनकी सामाजिक पृष्ठभूमि है और जिनका संघर्षों का बहुत लंबा इतिहास है, जो उनमें से कोई भी विधायक का दावेदार बन सकता है। बट मैं अगर शुरुआत आपकी इलेक्टोरल परफॉर्मेंस से करूं, 2017 में आप 806 वोटों से जीते, बट 2022 में आप थर्ड पोजीशन में चले गए। तो आपको लगता है ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है आपके लिए, कम से कम यहां फाइट देना भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस के पक्ष में चुनाव लाना? देखिए, देश में आप जो पिछले जो दो चुनावों की आपने चर्चा करी, तो 17 के चुनाव में मैं पूरे गढ़वाल कंस्टिट्यूएंसी से, जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है, उससे ही नहीं, अगर आप देहरादून का भी मैदानी क्षेत्र देखें, तो देहरादून जिले में भी सिर्फ आदरणीय प्रीतम सिंह जी एकमात्र विधायक थे जो कांग्रेस से जीते थे। तो मतलब चकरौता से लेकर के और माणा तक के, बद्रीनाथ तक के, और उधर रामनगर से लेकर के और केदारनाथ तक के सिर्फ मैं एक कैंडिडेट था कि जो जीता था, और गढ़वाल लोकसभा सीट से तो एकमात्र कैंडिडेट जीता था। और अगर मेरी विधानसभा को अगर आप देखेंगे, तो राजनीतिक दृष्टि से वो बहुत ही संवेदनशील साल थे। न केवल कोविड का, हमको 2.5 से 3 साल कोविड में काम करने का मौका नहीं मिला, और इतना चैलेंज था कि जिस विधानसभा में 5 साल में 6 बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं, और जिस विधानसभा में बहुत किस्म के सामाजिक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए, तो उसमें कुछ भी संभावना थी। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात थी, मेरी जो भू कानून पर जो मैंने आवाज विधानसभा में उठाई थी, उसके रिएक्शन में जो मुझे जो पूरी सूचना है कि मेरी विधानसभा में जो पैसा खर्च हुआ है मतदाताओं पर, वो एक आश्चर्यजनक अमाउंट थी। और उत्तराखंड का नहीं, गढ़वाल का और पर्वतीय क्षेत्र का बच्चा बच्चा जानता है कि जितना पैसा मेरी विधानसभा में खर्च किया गया, वो न भूतो न भविष्यतो वाला बट सर, पैसा। आपके मैं अगर एक निर्दलीय उम्मीदवार की बात करूं, उनका नाम भी कुलदीप रावत है, जी उन्होंने जी अपनी पोजीशन को सस्टेन रखा फ्रॉम 2017 टू 2022, वो सेकंड पोजीशन में रहे हैं। तो वो तो फिर एक तरह से देखा जाता है कि उनका व्यक्तिगत वोट इतना ज्यादा है, आपसे ज्यादा उनका व्यक्तिगत वोट हो गया। देखिए, व्यक्तिगत वोट का कोई आधार होना चाहिए ना। व्यक्तिगत वोट के लिए समाज के साथ आपका जुड़ाव होना चाहिए। देखिए, वोट की गणित को, वोट बड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन वोट का होता है, और उसको पूरी विधानसभा ही नहीं, सभी आसपास के जिलों के लोग जानते हैं कि किस तरह से वोट कैसे करके वोट खींचा जाता है। तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा कि उनका कोई व्यक्तिगत वोट। देखिए, लोकतंत्र में कोई व्यक्तिगत वोट नहीं होता है, वोट का कोई आधार होता है। आपका जन संघर्षों का नाता हो, जन संघर्ष से आपका नाता हो, आपकी सामाजिक प्रतिबद्धता हो, आपका मुद्दों के प्रति समर्पण हो, आप किसी मुद्दे पर। देखिए, विधायक का अर्थ क्या है? विधायक का मुख्य कार्य है विधायन, विधानसभा में आकर के विधायन का कार्य हो। देखिए, तो उन कार्यों में बाहर से लेकर के अंदर तक के सामाजिक पृष्ठभूमि, कई चीजें देखी जाती हैं। मेरा किसी पर टिप्पणी, कोई मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन वोट किन समीकरणों में मिलता है वो अधिकांश राजनेता जानते हैं। तो और रही तीसरे पोजिशन की बात, पहले 17 के चुनाव में आदरणीय स्वर्गीय शैला रानी रावत जी तो 34 पोजिशन पर थी। तो देखिए, समय था वो, देखिए मोदी लहर थी, मोदी जी की लहर में सब बह रहे थे, और साथ में जो समीकरण जो बनाए गए, जो मैं सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ कि
जो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती, देखिए मेरे लिए मुद्दे चुनौती नहीं थी, मेरे लिए मुद्दे मेरा जो माफियाओं से के साथ मेरा संघर्ष था, भू माफियाओं के साथ मेरा संघर्ष था, जो विधानसभा से लेकर के, देखिए न केवल हमने विधानसभा में अच्छा, उनको आप ये कह रहे हैं बर्बाद, बिकॉज 2018 में जब अमेंडमेंट लाया गया था भू कानून के ऊपर, उसके लिए आपने आवाज उठाई थी, इसके लिए जितने भी ये जो लैंड से जुड़े लोग हैं उन्होंने आपके खिलाफ एक षड्यंत्र किया, आप ये कह रहे हैं? देखिए षड्यंत्र नहीं किया न केवल, देखिए सारा मेरे पास पूरी सूचना है कि किस तरह से कितने लोगों को चुनाव लड़ाया गया, और न केवल मैंने 18 में विरोध किया, बल्कि मैं जिन परिवर्तनों को 18 में किया गया था उसके लिए मैं प्राइवेट मेंबर मिल लाया था 22 में। हम सरकार पे हम ये इंतजारी कर रहे थे कि साहब ये सरकार किसी तरह से इस कानून में जो इन्होंने लूट की खुली छूट का जो परिवर्तन कर दिया है इसको ये वापस लेगी। जब सरकार ने लाई तो एक विधायक के रूप में मेरा कर्तव्य था, देखिए विधायक प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है, तो जो 143 और 154 में जो परिवर्तन उन्होंने किए थे, जो लूट की खुली छूट दे रहे थे प्रदेश में, उनको वापस लेने के लिए हमने 22 में मैं प्राइवेट मेंबर भी लाया था। तो इनको सब भू माफियाओं को ये आशंका थी कि अगर ये व्यक्ति विधानसभा में पहुंचेगा, अगर फिर से चुन करके आएगा, तो ये हमारी लूट की खुली छूट को हर तरह से जो बट वैधानिक प्रक्रिया उसमें अगर मैं चैलेंज। अगर आप आपने जो ये यहाँ पर बात रखी है, अगर इस बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो अभी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो एक कठोर भू कानून लाने जा रहे हैं और इस बजट सत्र में वो भू कानून लेके आएंगे। इसका मतलब तो भू माफिया उनको भी हराने की कोशिश करेंगे, अगर मैं आपके तर्क को इस तरह से लूँ तो। देखिए भट्ट जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, धामी जी आज नहीं कह रहे हैं, धामी जी 22 में भी कह रहे थे, धामी जी 22 में एक हाई पावर कमेटी बनी थी। देखिए भू कानून में अगर कोई परिवर्तन वो करना चाह रहे हैं, बहुत लंबी चौड़ी कठोर की बात न करें, अभी तो दंत नख विहीन भू कानून है, इस कानून को तो रद्दी की टोकरी जैसा कानून माना जाए। अगर इनको कुछ बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं करने, देखिए जिस दिन वो कानून आएगा 143 और 154 में जो परिवर्तन किए गए, देखिए 18 से लेकर के और आज के दिन तक के उत्तराखंड में जो प्रचलित भू कानून है, जिसको उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश उन्मूलन अधिनियम कहते हैं, 1950 का ओरिजिनल एक्ट है, उसमें 11 अमेंडमेंट किए गए, और हर अमेंडमेंट किस तबके को फायदा करने के लिए किया गया, वो मैं कभी भी उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। तो मेरा ये कहना है कि धामी साहब तो अभी कुछ दिन पहले ये भी कह रहे थे कि साहब अगर प्रयोजन के लिए जमीन नहीं प्रयोग की गई तो हम वो छीन लेंगे। अरे भाई, तो आप तो ये तो बताओ कि जो 143 कौ का विलोपन आपने 22 में किया है उससे क्या हुआ है? देखिए अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भू कानून के साथ पाप किया, तो धामी साहब ने जो प्रयोजन जिसके द्वारा जमीन राज्य सरकार में निहित होनी थी उससे संबंधित धारा 143 क का विलोपन करके महापाप किया। तो तो आप कह रहे हैं ये जो आप भू धामी साहब कानून से, है, आप ये जो देखिए भू आप धामी कानून साहब से है, हमारी, देखिए धामी साहब आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन उनकी जो सामर्थ्य थी उन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई काम नहीं करके दिखाया। मेरी जो सामर्थ्य थी विधायक के रूप में, मेरा कर्तव्य था कि जब विधायक जब जब बिल आया मेरे सामने, बिल आया मैंने उस पर चर्चा करी, मैंने विरोध किया, और विधायक के रूप में जो मुझे लगा कि जिन धाराओं में गलत संशोधन किया गया है तो उनके विलोपन के लिए मैं प्राइवेट मेंबर बिल लाया हूं। बट आप अकेले रह गए ना 2018 में, आपकी पार्टी का आपको सपोर्ट नहीं मिला, आप अकेले देखिए विरोध करते नजर आए, आपको देखिए प्राइवेट मेंबर बिल लाना पड़ा, जबकि आपकी पूरी पार्टी एक डिस्कशन अनाउंस कर सकती थी। वो कहती थी कि हमें एक स्पेशल सेशन चाहिए, हम इस मुद्दे पे बात करेंगे, हम क्या अमेंडमेंट्स लेके आएंगे और सरकार को बाध्य करेंगे, ये अमेंडमेंट्स राज्य के हित के खिलाफ है। यानी मनोज रावत, ये बात सच है कि मनोज रावत ने आवाज उठाई, बट मनोज रावत अपने पार्टी में ही अलग थलग पड़ गए। नहीं भट्ट साहब, मैं पार्टी में अलग थलग नहीं पड़ा। देखिए आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, आपने विधायन की प्रक्रिया को शायद संसद में भी देखा है, तो देखिए विधायन एक प्रक्रिया है, जब बिल आता है, देखिए स्वच्छ परंपरा क्या है, देखिए मैं इसमें किसी भी विधायक को दोष नहीं देता हूं, सत्ता पक्ष या विपक्ष के, देखिए कोई भी विधायक सर्वज्ञाता नहीं हो सकता है, सैकड़ों तरह के विषय हैं, सबका ज्ञान होना किसी भी विधायक के लिए संभव नहीं है। इसलिए स्वस्थ संसदीय परंपरा क्या है कि जो व्यापक महत्व के बिल होते हैं उनको प्रवर समिति,
जो पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं, तो यहाँ पर जो प्रवर समिति होती है उसमें भेजा जाता है, जिसमें विशेषज्ञ आते हैं, हितग्राही आते हैं, विभिन्न सामाजिक समूह आते हैं। लेकिन इस राज्य में तो प्राइवेट मेंबर किसी भी बिल को प्रवर समिति को भेजने की परंपरा नहीं है। आपके सरकार को जिन बिलों से हित सदेंगे, देखिए अभी आपने एक बिल देखा होगा, बड़ी धूम मची कि साहब वो प्रवर समिति को भेजा करा, कौन सा वाला, जो नगर पालिकाओं में ओबीसी के लिए आरक्षण के लिए। लेकिन वो क्या था, वो एक प्लान स्टोरी थी। देखिए जब आपको चुनाव नहीं कराने होते हैं तो आप बिल प्रवर समिति को भेज देते हैं, लेकिन जब आप उत्तराखंड की जमीनों में लूट की छूट के लिए विधेयक लाते हैं, या तो आप बवाल कराते हैं। देखिए इनमें से जो 11 के 11 विधेयक हैं, इनमें से अधिकतर विधेयक उस समय पास हुए हैं जब सदन से बहिर्गमन हुआ, किसी विधानसभा के सदस्य को तक सर्कुलेट नहीं किया गया है बिल। मैं मनोज हाँ रावत जी, बिकॉज ये लंबा डिस्कशन हो जाएगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट पे आता हूँ। हाँ बिल्कुल, पॉइंट आपके पॉइंट साथ आइए। कांग्रेस पार्टी एकजुट है आपके साथ, बिकॉज मुझे लगा कि पार्टी के कुछ लोग नहीं चाहते मनोज रावत चुनाव लड़े, वो किसी और के पक्ष में खड़ा होना चाहता है, देखिए एक ऐसा धड़ा चाहता है मनोज देखिए, रावत लड़े, बिकॉज कांग्रेस आपको लेके बटी दिखाई दे रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? भट्ट साहब, कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार होगा, जिसको कांग्रेस निर्धारित करेगी, मैं कहीं पर भी अभी ना तो मैंने टिकट के लिए दावेदारी करी, मेरी पार्टी का जो भी आदेश होगा और जो भी मेरी पार्टी का कैंडिडेट होगा, हम सब लोग मिलकर के, बड़े से बड़े हमारे नेताओं से लेकर के छोटे से छोटा कार्यकर्ता मिलकर के बद्रीनाथ की तरह उसकी जीत को सुनिश्चित कराएगा। अभी पुष्कर सिंह धामी का एक ट्वीट आया है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। केदारपुरी का दिव्य और भव्य निर्माण, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, ये प्रधानमंत्री ने केदारपुरी की धरती से कहा। आगे वो कह रहे हैं, ये चुनाव तुष्टीकरण व विभाजनकारी सोच से ग्रसित तथा सनातन संस्कृति को अपमानित करने वाली शक्तियों के विरुद्ध है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाबा केदार की पवित्र भूमि पर सनातन का परचम एक बार फिर लहराएगा। मतलब वो एक ग्राउंड सेट कर रहे हैं चुनाव का, और ग्राउंड किस तरफ जा रहा भली भांति जानते हैं। देखिए भट्ट जी, जो दिव्य और भव्य केदारनाथ की बात कर रहे हैं, यही लोग थे जिन्होंने लेजर शो, 165 देशों में लेजर शो करने के लिए भगवान केदारनाथ जी के मंदिर को पर्दा बनाया था। देखिए वहां पर हम तो बाबा की सत्ता को मानते हैं, हम तो सच्चे सनातनी हैं, हम तो कहते हैं वहां जो होगा बाबा की मर्जी से होगा। वो MI-17 में जो सामान गया था उससे लेजर शो संभव नहीं हो पाया, सोने का मामला, हम तो यही तो कह रहे हैं, आज भी हम यही कह रहे हैं। देखिए हमने आज तक के कहीं लिख करके नहीं दिया, इनके BKTC के 9 मेंबर ने शिकायत करी है बाकायदा मुख्यमंत्री जी से कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, और आदरणीय मुख्यमंत्री सतपाल महाराज जी ने जांच बैठाई। हम यही तो कह रहे हैं, हम भी देखें कि वो प्रतिभाशाली अधिकारी कौन है, उसकी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करें, तब हम टिप्पणी करेंगे। केदारनाथ को बुराड़ी ले जाने वाला कौन था, हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कभी धक्का दे करके भेजा नहीं बुराड़ी, कि आप बुराड़ी जाकर के उद्घाटन करिए और आप कहिए कि हम यहाँ पर केदारनाथ धाम बनाएंगे, और जो लोग केदारनाथ नहीं जा पा रहे हैं, वहां भीड़ हो रही है, वो लोग यहाँ दर्शन करेंगे। हमने तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मुंह में ये शब्द नहीं डाले हैं। देखिए जनता ने उनका भाषण सुना है, केदारशिला, केदारशिला को केदारनाथ से ले जाकर के, देखिए लोग शिला को एक पत्थर मानते हैं, मानो तो पत्थर, नहीं तो मानो तो पत्थर भी भगवान है, शिवलिंग क्या है, पत्थर पत्थर ही तो है। आप हमारा प्रतीक यहां से केदारनाथ से आप हमारे प्रतीक को ले जा करके बोराड़ी में स्थापित कर देंगे, और आप अपने को सनातनी कहेंगे। चंदा मैंने खुद 11 रुपया चंदा दिया है, मेरा चंदा रिसीव किया गया है, करोड़ों रुपया का जो चंदा इकट्ठा होगा, क्यों नहीं, वो जो भी तथाकथित सनातन प्रेमी थे जो वहां पर, उन्होंने बाकायदा एक स्कीम निकाली थी कि ऐसा BHK बनेगा, ऐसा अपार्टमेंट होगा, ऐसा स्विमिंग पूल बनेगा। और तो और छोड़िए, सनातनी कहने वालों ने ये तक उस ब्रोशर में निकाला था कि कोई भी किसी भी धर्म का व्यक्ति यहाँ चंदा दे सकता है और यहाँ का मेंबर बन सकता है। आप सनातन पे चर्चा करेंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा सा बड़ा आदमी सनातन और केदार की परंपरा पर हमसे चर्चा करके दिखाए, हम सही जवाब देंगे। और रही बात केदारनाथ के मंदिर की, वहां का आर्किटेक्ट खत्म कर दिया है, वहां का वास्तु सब आपने खत्म कर दिया है, जो आपने मैदान बनाया है, वहां का चौक बनाया है, उस पर हमने, देखिए हमने वास्तु से लेकर के हर चीज पर समय समय पर भट्ट जी सटीक जानकारी लिखी, और चुनौती के साथ हमने कहा है, देखिए हम बाबा की सत्ता को मानने वाले लोग हैं, हम किसी अन्य पार्टी के, हम किसी की सत्ता नहीं मानते, बाबा के अधीन हम रहते हैं और बाबा के सामने ही हम नतमस्तक होते हैं, तो तो आप वो मुझे ये सनातनी का बताइए, ये जो सर्टिफिकेट लेने की उनको जरूरत नहीं। अभी जो हरियाणा के रिजल्ट आए,
इसका इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट आप लोगों के मनोबल पे है? देखिए, केदार में केदार का इम्पैक्ट है, केदार में इस चीज का इम्पैक्ट है, केदार घाटी में केदारनाथ का जो चुनाव होगा, बद्रीनाथ में चुनाव लड़ा गया दल बदल और भ्रष्टाचार पर। केदारनाथ का मुद्दा दल बदल और भ्रष्टाचार था, वो मुद्दा आज केदारनाथ में भी जिंदा है। केदारनाथ का बद्रीनाथ, मुद्दा बद्रीनाथ में है आप कह रहे जो हैं, यात्रा बद्रीनाथ में? रजिस्ट्रेशन के नाम पर, जो गुजरात की कंपनी को यात्रा रजिस्ट्रेशन के जो राइट दे करके सारी यात्रा को केदारनाथ और चार धामों से डाइवर्ट किया गया, केदारनाथ का मुद्दा यह है। केदारनाथ का मुद्दा है यात्रा से पहले केदारनाथ के लोगों को देखिए, रिट होती है हल्द्वानी से रामनगर तक के अवैध अतिक्रमणों के लिए, वहां तो एक खोका भी नहीं उजाड़ा जाता है, केदार भूमि से चोपता से सब बेरोजगारों को उजाड़ देते हैं। केदारनाथ का मुद्दा खच्चर वालों का मुद्दा है। आप खच्चर, वहां के खच्चर करोड़ों रुपये कमाते हैं और वो पैसा राज्य सरकार खर्च करती है। केदारनाथ का मुद्दा, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी दान मांग करके ठंडों में जाकर के, ठंडों में रात रात भर जग करके दक्षिणा मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं, उससे करोड़ों, उससे अपना तनख्वाह के लिए पैसे तैयार करते हैं। उनके जो केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति का 10 करोड़ रुपया सरकार को दे दिया जाता है, आज हम पहली बार सुन रहे हैं। ये बट उनके तो सरकार, इस नियमितीकरण नागरी की बात हो रही सरकार है कि उनको रेगुलराइज किया जाएगा। अभी हम खबर देख रहे थे कि वो सारे जी, कर्मचारियों को रेगुलराइज किया जाएगा, कौन से किन चीजों को? जो वहां पर जो बद्री केदार समिति में भट्ट जो लोग जी, हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, देखिए अभी हाल फिलहाल तक की राज्य में विनियमितीकरण नीति नहीं थी, ये वो सरकार है कि 7 साल में विनियमितीकरण नीति नहीं बनाई पाई। अगर रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं है तो आप किसी मुख्यमंत्री, तो क्या प्रधानमंत्री भी कह दे कर्मचारी को आप नियमित नहीं कर सकते थे? वो तो मैं हाईकोर्ट का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 13 में, जो कांग्रेस की सरकार ने, हरीश रावत की सरकार ने, देखिए 13 लिखते हैं उस विनियमितीकरण नीति को, 14 की है वो, जो विनियमितीकरण नीति बनाई थी उसको फिर से पुनर्जीवित किया है, जिसके आधार पर मुख्यमंत्री अब ये कह पाने में सक्षम है कि हम नियमित करेंगे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, वो निर्णय आए हुए तो महीनों बीत गए हैं, अगर आपको कुछ करना था। देखिए, एक बात तो मैं धन्यवाद देता हूं ये केदारनाथ उपचुनाव को, केदारनाथ उपचुनाव के बहाने सारे महाधन्य बड़े बड़े मंत्रियों के, जिन पर विजिलेंस की इंक्वायरी होनी थी, जिन पर, जिन्होंने विजिलेंस का मुकदमा झेलना था, जिन्होंने लहसुन से लेकर के अदरक तक के बीज बेज खाए, उनके भी दर्शन वहां कराए, केदार की जनता को वहां कराए। तो आप हर मुद्दे पर, मैं तो ये कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी की आज ही मुख्यमंत्री जी ने, कल मैं देख रहा हूं, ये घोषणा करी कि मिसिंग लिंक खत्म कर रहे हैं 10 जुला का। अरे भाई, 500 मीटर वनभूमि का हस्तांतरण, आप 8 साल से आपकी सरकार है, 8 साल में आप 500 मीटर वनभूमि का हस्तांतरण नहीं कर पाए, उसको बीच में छोड़ देंगे, दो तरफ के टेंडर लगा देंगे 100 मीटर इधर और 100 मीटर उधर, और आप कहेंगे साहब हमने मिसिंग लिंक खत्म कर दिया। या तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मिसिंग लिंक शब्द की परिभाषा अधिकारी नहीं बता पा रहे हैं, या उनसे गलत घोषणाएं करा रहे हैं। देखिए, हर घोषणा पर, केदारनाथ के लिए आज लंबी घोषणा की एक सूची में चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन से 15 मिनट पहले एक अधिकारी के बयान सुन रहा था। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ तो केदारनाथ को एक इंस्टीट्यूट तो दे जाते। आज केदारनाथ एक ऐसी विधानसभा है जिसमें कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। आपने, ठीक है, आपने रुद्रप्रयाग तो में, आप कह रहे हैं ये सारे मुद्दे आप पब्लिक में लेके जाएंगे। मैं एक दो बातें आपसे कहना चाहता हूं। आपको याद है 2022 के चुनाव में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा बहुत छाया रहा लोगों के बीच में, और बाद में आपके जो सबसे वरिष्ठ नेता है हरीश रावत, उन्होंने कहा कि साहब ये भी एक बड़ा कारण रहा हमारी हार का। अभी उन्होंने दो बड़ी बातें कही। एक उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बाल आयोग ने जो मदरसों को वित्तीय सहायता बंद करने की बात की है उसका विरोध किया जाए, इससे देश को नुकसान होगा। फिर आगे उन्होंने जिहाद को परिभाषित किया है। उन्होंने कहा चाहे थूक जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, बेटियों को भगाने का मामला हो, उन्होंने कहा जिहाद एक बड़े परिवर्तन का द्योतक है, सकारात्मक सोच का परिवर्तन ही जिहाद है। तो आप उनकी इस बात से एग्री करते हैं देखिए जो उन्होंने आप, जिहाद को परिभाषित किया है, भट्ट या उन्होंने जी, मदरसे में जो भट्ट जी, राष्ट्रीय बाल आयोग की जो बात है उसका विरोध किया है, आप उसको सपोर्ट करते हैं, या आपको लगता है कि ये आपको और नुकसान दे सकता है? यानी जो मुख्यमंत्री जिस पिच पे चुनाव को ले जाना चाहते हैं, हरीश रावत जी आपके लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे इस तरह की बातें सामने लाकर। भट्ट जी, हरीश रावत जी ने तो उस बात पर चुनौती दी है, बाकायदा डीजी को लिख करके दिया है कि उस पर रिपोर्ट दर्ज करी जाए। क्यों नहीं करी? दूध का दूध पानी का पानी कर देते। किस पर? 3 साल से जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला मामला है,
बाकायदा सर वो उन्होंने तो रिपोर्ट दर्ज करी 2022 है। का मामला चला गया, मैं अभी की बात कर रहा हूं, उन्होंने कल देखिए भी मैं लिखा आज आज भी की लिखा भी मैं है बात कर रहा हूं भट्ट जी, सर। हम सनातन की बात करने वाले लोग हैं। मैं बात देखिए, अरे मैं इस आप चुनाव को इस सनातन को मुद्दे को ले परिभाषित जाऊंगा करिए कि ना, आप सनातन को मैंने परिभाषित करिए, आप जिहाद देखिए को सनातन, परिभाषित कर रहे मैं हैं। आपको संस्कृत शिक्षा की बात करना चाहता हूं। देखिए मैं केदार का विधायक रहा हूं, मैं वो विधायक रहा हूं कि जिसने अपने विधायक निधि से 4 संस्कृत विद्यालयों का जीर्णोद्धार किया है। सर अगेन मनोज मैं रावत साहब, संस्कृत मैं सिर्फ अध्यापकों की आपसे बात करना सर चाहूंगा, मैं मैं बात एग्री करना चाहूंगा कि एग्री जो मेरे यहाँ, सुनिए, सर मेरे यहाँ जो संस्कृत विद्यालय, यहाँ वेद वेदांग अगर बद्रीनाथ में चले जाएं तो वहां पर जो बच्चे पास आउट होकर के निकलते हैं उनको 90% रोजगार मिलता है। मैं ये बात करना चाहूंगा कि वेद वेदांग में, मैंने मेरे यहाँ कोई मदरसा ही नहीं, मैं मदरसों की क्या बात करूंगा। नहीं मैं वो तो आपके बात लिए करूंगा कि मेरे नहीं, यहाँ जो संस्कृत कल के विद्यालय सर, हैं, कल के मैं जो दिन, ये सनातन, कल इस के अपने को दिन, कल सनातन के दिन है बीजेपी इन जी, मुद्दों को भुनाएगी, तब आपके पास जवाब क्या होगा? क्या पूरे जवाब आप होंगे, हरीश पूरे रावत जी के देखिए इस बात पूरे से जवाब सहमत होंगे। हैं? देखिए हमारे यहाँ, सुन लीजिए, हमारे यहाँ जो मजार बनाने वाले थे वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के आदमी थे। आज पूरी दुनिया जानती है कि किसने मजारे बनाई वहां पर। हम पूछेंगे उनसे कि ये मजारे क्यों बनती हैं। देखिए हम सनातन को मानने वाले लोग हैं, सनातन की कोई परिभाषा न समझाए, हम सर्वधर्म एग्री, सर्वभाव, मैं हम सबको आपसे सद्भाव मानते रावत हैं। साहब, और किसी भी मुद्दे पर, देखिए किसी भी मुद्दे पर आ जाएं, मुख्यमंत्री बताए ना कि लैंड जिहाद, लैंड जमीन खरीदने और बेचने की छूट किसने दी? 8 साल से सरकार आपकी है। हम जिहाद की बात नहीं कर रहे। कोई भी गलत आदमी अगर उत्तराखंड में रहने के लिए आ रहा है, निवास कर रहा है, कोई अपराधी प्रवृत्ति का है, तो आपकी सरकार ने क्या किया? अगर उत्तराखंड में कोई अपराधी किया, गैर असामाजिक कोई गतिविधि हो रही है, तो आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए आप मनोज सरकार रावत चलाते साहब, मैं हैं, आपकी पॉइंट सरकार से एग्री चलाते कर हैं, रहा हूं, कानून लेकिन व्यवस्था अभी या अभी गलत कामों भी को रोकना आपकी जिम्मेदारी है, और सर मुख्यमंत्री को पूरी जिम्मेदारी एग्री लेनी सर, चाहिए लेकिन मेरा मूल सवाल वही है, आप जी। एग्री करते हैं जो हरीश रावत जी ने अपने फेसबुक पोस्ट में जिहाद को देखिए परिभाषित मैंने किया, हरीश रावत जी आप की पोस्ट एग्री तो नहीं हैं? पढ़ी, लेकिन नहीं, मैं बुक नहीं पढ़ी, आपको उन्होंने जो साफ लिखा है शब्दों वो में मैं कह आपको रहा पढ़ के हूं बता कि रहा हूं। मैं केदारनाथ का चुनाव लड़ने जा रहा हूं। देखिए मैं लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूं। मेरे यहाँ की समस्या मैंने आपको बताया ना, मेरे यहाँ जब एक भी मदरसा नहीं, तो मुझे मदरसा, मैंने आज तक मदरसा देखा ही नहीं बट है। आपको लगता है ये मदरसा देख नॉन लें, मुख्यमंत्री देखें आपने किच्छा में, देखें मुख्यमंत्री देखें आपने उधम सिंह नगर जी में, देखें या बागेश्वर में देखें, अगर बागेश्वर में कोई मदरसा है, बट मुझे नहीं लगता बागेश्वर में भी मदरसा है या नहीं। यहां आप बात अगर करनी है, देखिए यहां बात करनी है तो भू कानून की बात करनी है, यहां केदारनाथ के सोने की बात करनी है, यहां बात केदारनाथ का मंदिर बौराड़ी ले जाने की बात करनी है, यहाँ घोड़े खच्चर वालों की बात करनी है, उनका रोजगार छीन लिया, यहां बात होगी तो होटल वाले जो बर्बाद हो गए हैं, यहाँ बात होगी जो तुमने जेसीबी लगा करके मेरे बेरोजगार युवकों को बर्बाद कर दिया है, यहाँ बात होगी तो संस्कृत विद्यालयों की होगी, यहाँ हम बात करेंगे तो वो परचम हम बात करेंगे कि हम मेरी केदार भूमि के, नागपुर के लोग जिनको कहते हैं, उनका परचम, उनका ज्योतिष, सर उनका वेद, उनका कर्मकांड पूरे दुनिया में परचम लहराता है, उसको मनोज आप कैसे रोजगार मनोज रावत साहब, करोगे? इन पर सब बात होगी, इन पर मुख्यमंत्री जी चर्चा करें, हम भी चर्चा करेंगे आई नो यू आर वेरी क्लोज टू हरीश रावत जी, मैं जानता हूं आपके जी। बहुत क्लोज हैं, जी हरीश रावत क्लोज जी के बहुत जी क्लोज जी हैं, हरीश तो रावत जी क्लोज होंगे, आप ऐसा आप है, उनसे अनऑफिशियली कहेंगे कि सर इस समय बड़ा क्रूशियल चुनाव है, आप इस देखिए तरह के हरीश ट्वीट, रावत इस तरह के जी, पोस्ट मत करिए, देखिए मैं ये हरीश रावत हमारे जी की जब हमारे तक के मैंने फ्यूचर, पोस्ट मतलब नहीं हमारे पढ़ी उस पर केदारनाथ के टिप्पणी चुनाव नहीं पे इम्पैक्ट करूंगा, करेगा। मैं हरीश रावत जी की जब तक के पोस्ट नहीं पढ़ी मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। और देखिए मैं आजकल देख रहा हूं, अरे भाई जिहाद ढूंढने के लिए, आजकल लव जिहाद ढूंढने के लिए आप रुद्रप्रयाग केदारनाथ क्यों जा रहे हैं? आजकल जो भी मुझे वहां सोशल मीडिया के पत्रकार दिख रहे हैं, वहां यही प्रश्न पूछ रहे हैं, आप संस्कृत विद्यालयों की दुर्दशा क्यों नहीं देख रहे हैं? या तो आप एक मामला हमारे यहाँ बता दें जो इस तरह का हुआ बट सर जो जो वहां पर हो रहा है वो जी। चिंताजनक नहीं है? अगर कोई हमारी बेटियों देखिए को इस तरह से बरगला के भगा रहा है, वो चिंताग्रस्त नहीं है कोई भी हमारे लिए? असामाजिक गतिविधि अगर वहां पर हो रही है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, और असामाजिक अगर कोई गतिविधि हो रही है तो पूरा समाज उसका पुरजोर विरोध करता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को आंकड़े देने चाहिए ना, जो लैंड जिहाद हुआ है कि कितने लैंड जिहाद करके यहाँ जमीन खरीदी गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी को वो आंकड़े देने चाहिए, फिर हम टिप्पणी करेंगे। कपोल कल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी, तो मैं तो ताजुब करता हूं जिस धारा का विलोपन करके उन्होंने जमीन की लूट की खुली छूट मचा दी, और आप आज कहते मुख्यमंत्री जी कि हम सब जमीन, हमने राजा भैया की जमीन निहित कर दी। अरे जरा उस पर चर्चा करें ना, राजा भैया की क्या जमीन नींद करी, और कितने लोगों की जमीन, कितने लोगों को जमीन की लूट की छूट दी। देखिए हम इस पर भी प्रेस करेंगे, तो जल्दी हम प्रेस के आपके सामने पास आ रहे कोई हैं डेटा है? आपके पास कोई डेटा है इस तरह का कि कितने जी। लोगों हाँ ने बिल्कुल है लैंड का डेटा हमारे दुरुपयोग पास, किया है?
जी हाँ बिल्कुल डेटा है, हम समय आने पर बिल्कुल 2-3 दिन के अंदर हम समय आने पर उत्तराखंड की जनता को बताएंगे कि कैसे लूट की छूट मचा करके किसको उत्तराखंड में लूट की छूट मचाने की छूट दी। तो ये और एक्सप्लोजिव आपको हम डाटा, मदद आप भी कह रहे हैं कि डाटा करेंगे, एक्सप्लोजिव है? बिल्कुल एक्सक्लूसिव डाटा है और सरकार का डाटा है, सरकार ने दिया है, ठीक है ना। ओके आप भी मनोज देखिए, नाथक आपको भी साहब, बुलाएंगे बिकॉज जब भी प्रेस बिकॉज करेंगे। ठीक मेरी शुभकामनाएं आपको, बिकॉज आप एक यूनानी में चॉइस तो है, लेकिन आप अपने मन से मुझे एक सवाल बता दीजिए, हालांकि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, आप अपने कॉन्टेस्ट में बीजेपी से किसको देख रहे हैं? देखिए ऐसा है, दूसरी पार्टी का हमने क्या, मेरे लिए सब आदरणीय है। देखिए सब मेरे सबसे बहुत अच्छे संबंध हैं, बहुत। देखिए हम जब विधायक रहे तो सब लोग जानते हैं कि पूरे विपक्ष को हमने बहुत सम्मान किया, सब मेरे लिए आदरणीय हैं। जो हमसे बड़े हैं उनको हम आदर पूर्वक प्रणाम करते रहे, जो हमसे छोटे हैं उनसे हमारा आदर पूर्वक व्यवहार रहे। और ये तो देखिए राजनीतिक विचारधाराओं की लड़ाई है, ये कोई मल्लयुद्ध तो है नहीं कि साहब कौन सा पहलवान मेरे लिए ठीक रहेगा। हम विचारधाराओं के आधार पर लड़ेंगे और आदर पूर्वक लोकतंत्र की जो स्वस्थ परंपरा है उसके आधार पर जो भी पार्टी हमारी पार्टी के कैंडिडेट के सामने, देखिए अभी तो हम भी कोई कैंडिडेट नहीं है, व्यक्तिगत आपने मुझे पूछा ये प्रश्न, लेकिन हमारा कोई भी प्रत्याशी, कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी होगा स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा पर ही चुनाव लड़ता। और बिकॉज बहुत सारे लोग ये कह रहे थे साहब हम बद्रीनाथ जीते, अगर बद्रीनाथ को एनालाइज किया जाए मनोज रावत साहब, बद्रीनाथ का जो वोट था वो राजेंद्र भंडारी के दल बदल के खिलाफ था, वो एक तरह से बीजेपी के खिलाफ नहीं था, तो उस जीत को अगर आप यहाँ रेप्लिकेट करना चाहते हैं तो आपको तो कुछ करके कुछ चमत्कार ही करना होगा यहाँ पर केदार की धरती में, या फिर बाबा केदार देखिए स्वयं आपके ऊपर आशीर्वाद बना दे। देखिए भट्ट साहब, बद्रीनाथ में भी दर्जन, जो आधा दर्जन मंत्री घूम रहे थे, और बद्रीनाथ में भी यही कहा जा रहा था कि भाई लखपत सिंह जी कुछ नहीं है राजेंद्र भंडारी के सामने। देखिए जो भ्रष्टाचार और दल बदल, मैंने आपसे कहा ना बद्रीनाथ में भ्रष्टाचार और दल बदल मुद्दा था, वो तो केदारनाथ में भी है। अभी आप देखेंगे कितने इनके दल के ओरिजिनल कैंडिडेट होंगे और कितने डुप्लीकेट निकलेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों, आधे दर्जन उम्मीदवार तो अपने अपने क्या कहते हैं, तंबू लगा करके प्रचार करने लगे। और बाकायदा देखिए चुनाव आने दीजिए, अभी तो हम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की हैं इस बीच, उनका हम जनता के सामने, जनता जान रही है, सारी हवा हवाई है, यही काम बद्रीनाथ में हो रहा था। देखिए बद्रीनाथ में यही तो काम हुआ, बद्रीनाथ और केदारनाथ अगल बगल हैं, चलिए जो पांच पांच छह छह मंत्री बद्रीनाथ में घूम रहे थे, कई घोषणाएं कर रहे थे, तो आज तो वहां चपरासी भी नहीं जा रहा बद्रीनाथ में। केदारनाथ के लोग भी जानते हैं, घोषणा मैंने आपको बता दी, मिसिंग लिंक पूरा होगा और मिस 500 मीटर आप अभी एक एक आप लास्ट में आप ये कह रहे हैं कांग्रेस एकजुट एकबुट है आज केदारनाथ में, या जी। वहां डिफरेंसेस नहीं है केदारनाथ ही में नेताओं नहीं, के बीच में? आदरणीय करण मेहरा जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में कांग्रेस एकजुट एकमुट है, हमारे वरिष्ठ नेतागणों के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ेगी, जैसे मंगलौर और बद्रीनाथ में चुनाव लड़ा, और केदारनाथ में भी जो भी कैंडिडेट होगा उसके साथ एकजुट एकमुट होकर के वैचारिक आधार पर के पर चलिए भाजपा के धुएं उड़ा करके छोड़। बहुत धन्यवाद मनोज रावत जी, देवभूमि धन्यवाद डायनो के धन्यवाद मंच भट्ट में आने जी, के लिए, और आपके आपको एडवांस में आमंत्रण के लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप माने या ना माने लेकिन आप ही एक यूनानिमस चॉइस होने जा रहे हैं, आपको चुनाव लड़ना है, हमारी शुभकामनाएं और देखिए बहुत धन्यवाद मैं तो इस मंच आपका पर। धन्यवाद, आप ऐसा कृपा पूर्वक ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं तो अपनी पार्टी के लिए सिपाही हूँ, जो भी जिस भी कैंडिडेट को पार्टी टिकट देगी हम उसके पीछे जम करके खड़े रहेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद, तो कांग्रेस पार्टी कुछ मुद्दों के साथ इस चुनाव में जाएगी, खासकर वो मुद्दे जो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने की बात हुई थी, या वहाँ पर जो सोना चोरी की बात हुई है, या वहाँ पर करप्शन की बात हुई है, इन सारे मुद्दों को लेकर वो जनता जनार्दन के बीच जाएगी। जाहिर है फैसला केदारनाथ की जनता जनार्दन को करना है। बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए।